प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ 19 ज्ञानदा की डायरी के प्रश्नोत्तर अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ज्ञानदा का चयन किस प्रतियोगिता के लिए हुआ था? इसका उत्तर है, ज्ञानदा का चयन राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के लिए भोपाल संभाग से बालिका सीनियर वर्ग की हॉकी टीम के लिए हुआ था। ख, मोनिया नर्तक किस तरह नृत्य कर रहे थे? तो मोनिया टीकमगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसमें नर्तक ढोलक और नगड़िया की थाप पर हाथ में पकड़े डंडों को लय के साथ आपस में टकराते हुए अपने कदम बिना ताल चुके थिरका रहे थे। तो ये लोक नृत्य है मोनिया टीकमगढ़ का। प्रश्न ग है, ज्ञानदा को किस बात का दुख था? इसका उत्तर है, ज्ञानदा को इस बात का दुख था, जब मैं हाफ बैक की जगह पर खेल रही थी, विपक्षी सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी गेंद लेकर हमारे गोल की तरफ बढ़ी तो मैंने उसे रोकने के लिए गलत तरीके से हॉकी स्टिक अड़ा दी, जिससे वह गिर पड़ी और उसका घुटना छिल गया। मैंने उससे क्षमा मांग ली थी, पर मैं सोचती हूँ मुझे उस पर उस समय सावधानी और कौशल से काम लेना था, आगे से ध्यान रखूंगी। ग है, खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं? तो खेलों से हम निम्नलिखित गुण सीखते हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखना, अनुशासन बनाए रखना, धैर्य से काम लेना, आपसी सूझबूझ एवं भाईचारा बनाए रखना, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। ग, कोच ने ज्ञानदा की तारीफ क्यों की? मैच के बाद कोच ने ज्ञानदा की तारीफ उसकी सूझबूझ और तत्काल निर्णय लेने के लिए की। खाली स्थान में ऊंची शब्द भरिए। क, व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक टीम का हित। यहां दो शब्द दिए हैं, सर्वोपरि और गौण, तो सही है सर्वोपरि होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है। ख, मध्य प्रदेश में भोपाल को हॉकी का गढ़ कहते हैं। क्रिकेट का गढ़ और हॉकी का गढ़ है, सही शब्द ही बताऊंगा मैं। ग, भोपाल में प्रतिवर्ष ओबेदुल्ला स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। घ, हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ज्ञानदा ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनिए। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है मेजर ध्यानचंद। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया मोनिया नृत्य। ज्ञानदा का चयन किस संभाग के लिए हुआ था? तो भोपाल संभाग के लिए। ज्ञानदा किस पोजीशन या स्थान पर खेल रही थी? तो ये पोजीशन है हाफ बैक, अन्य है सेंटर फॉरवर्ड, राइट आउट और लेफ्ट इन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई तालिका से खेलों के नाम छाटिए। नाम आड़े व तिरछे किसी भी दिशा में हो सकते हैं तथा एक अक्षर दूसरे नाम में भी आ सकता है। नाम छाटकर नीचे भी लिखिए। अन्य खेलों के नाम जो इस तालिका में नहीं आए हैं उन्हें अपने शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो देखो यहाँ पर आ रहा है टेबल टेनिस और क्रिकेट, फिर आ गया जैसे ये बेसबॉल, फुटबॉल, फिर एथलेटिक्स, फिर आ गया मुक्केबाजी और जी इधर भी आया निशानेबाजी, ये आ गया शतरंज, ये आ गया खो खो, ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया बेसबॉल, ये हो गया भारोत्तोलन, फिर ये हो गया गोल्फ, ये हो गया कबड्डी, फिर उसके बाद में आ गया देखो ये पो और लो, पोलो
और ये कुश्ती और ये है कैरम। तो इस प्रकार से शब्द जो है खेल के, तो जो जो अपने पास आए हैं वो टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, भारोत्तोलन, कबड्डी, गोल्फ, ये गोल्फ है, गोल्फ, खो खो। अब देखो खो खो कहाँ पर है, ये रहा खो खो। कुश्ती, कुश्ती कहाँ पर है, कुश्ती देखो ये रही कुश्ती, है ना, ये तो नहीं आएगा कुश्ती केवल। निशानेबाजी, फुटबॉल और पोलो सब आ गए। ये भाषा अध्ययन प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए तथा इनके प्रयोग वाले वाक्य छाटकर लिखिए। मुहावरा है नाम कमाना, अर्थ है ऐसा प्रसिद्धि प्राप्त करना। भोपाल के कई खिलाड़ियों ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। ये जो प्रयोग वाले वाक्य जो है वो पाठ के अंदर से छाट के लिखे हैं। झंडे गाड़ना मतलब सफलता दिखाना। ग्वालियर के शिवाजी पवार, शंकर लक्ष्मण और क्रिस्टी ने भी हॉकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। समा बांधना मतलब सबको मोहित करना। मार्च पास्ट के बाद स्थानीय छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। खून पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। विपक्षी दल के खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। कांटे की टक्कर मतलब बराबरी का मुकाबला। सेमीफाइनल मैच में कांटे की टक्कर रही। ताकत झोंकना मतलब पूरी तरह शक्ति लगा देना। कल हमें जीतने के लिए अपनी सारी ताकत झोंकनी पड़ेगी। तो ये प्रयोग वाले वाक्य पाठ के अंदर से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रतीक्षा शब्द है, मुझे परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा रहती है मतलब इंतजार रहता है। संभागीय, संभागीय स्तर पर ज्ञानोदय विद्यालय है। जो ज्ञानोदय विद्यालय होते हैं जैसे उत्कृष्ट विद्यालय होता है, इस प्रकार ज्ञानोदय विद्यालय होते हैं तो वो संभागीय स्तर पर होता है, जैसे इंदौर में है। चयन, मेरा चयन मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए हो जाएगा। जो कक्षा 8वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 8वीं की कक्षा के दौरान, उनको 9वीं में प्रवेश के समय एक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, और ये परीक्षा आप अभी 7वीं में हो, अगले साल 8वीं में जाओगे तो ये परीक्षा जरूर देना, क्योंकि इसकी छात्रवृत्ति जो होती है वो 12,000 रुपये साल होती है और प्रत्येक साल मिलती है 9, 10, 11, 12 में, 9वीं में भी, 10वीं में भी, 11वीं में भी, 12वीं में। तो एक बार परीक्षा में पास हो गए तो 12,000 रुपये साल 4 साल तक मिलेंगे आपको, और परीक्षा उतनी कठिन नहीं होती, इसके गाइड भी बाजार में मिल जाती है। गौरव, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए चयन होना गौरव की बात है। चहल पहल, हाट बाजार में लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है। स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक को अंग्रेजी में गोल्ड मेडल कहते हैं। जन्मदिवस, मैं अपना जन्मदिवस दोस्तों के साथ मनाता हूँ। कौशल, पढ़ाई के साथ साथ किसी एक विधा का कौशल भी होना चाहिए। जब तुम अपनी पूरी पढ़ाई कर लोगे, बीएससी, एमएससी या बीएएमए, तो उसके साथ में एक हुनर भी होना चाहिए जो पढ़ाई में आपको या नौकरी पाने में आपको मदद करेगा। कौशल बोलते हैं उसको, हुनर। आक्रामक, हमें कभी भी किसी के साथ आक्रामक रूप नहीं रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ और उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पत्र है शब्द, उसका अर्थ है चिट्ठी या पत्ता। तो चिट्ठी का, मुझे उसकी चिट्ठी मिली है। पत्ता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीठ या पन्ना। पीठ का, उसकी पीठ पर तिल है। पन्ना, पुस्तक का पन्ना उल्टी है। लक्ष्य, लक्ष्य का होता है उद्देश्य या निशाना। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, या इसको ऐसा कर लो, हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, इसी का वाक्य में प्रयोग कर देते हम। ये हमारा हो गया, हमारा उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। फिर निशाना, उसने हरे गुब्बारे पर निशाना लगाया या निशान लगाया, निशाना लगाया, निशाना ठीक है। यहाँ पे क्या करें, आ की मात्रा लगा देते।
इन अ निशाना लगाया, ठीक है। जीवन, जीवन का होता है जिंदगी या जल, तो जीव जिंदगी वृक्षों में जिंदगी होती है और जल नदियों से जल प्राप्त होता है। तो इनके प्रत्येक शब्द के दो अर्थ है, उनके वाक्यों प्रयोग। प्रश्न नंबर चार है, निम्नलिखित शब्दों से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्द अलग अलग छांटकर तालिका में लिखिए। तो देखो यहां पर मैंने सभी के पास में लिख दिया है, एच मतलब हिंदी, यू मतलब उर्दू और ई मतलब इंग्लिश। तो सीनियर हिंदी शब्द है, सीनियर हिंदी नहीं इंग्लिश है, लिखने में गड़बड़ कर दी। सीनियर इंग्लिश शब्द है, फिर संभागी हिंदी है, फिर टीम जो है वो टीम कहां गया, इंग्लिश में आ गया। इसी प्रकार सब ये है। तो हिंदी शब्द कौन कौन से हैं, संभागीय, वर्ग, स्पर्धा, राष्ट्रीय, दल और शपथ। और उर्दू शब्द है मदद, मुताबिक, जादूगर, खाना, तरीका, शहद, खूबसूरत, शबनम, दर्द, मुकाबला। और अंग्रेजी शब्द हैं सीनियर, टीम, ओलंपिक, टूर्नामेंट, जूनियर, रेलवे स्टेशन, मैनेजर, ट्रेन, कैप्टन, स्टेडियम और मार्च पास्ट। प्रश्न नंबर पांच, सागर और अनुसार शब्दों से पूर्व अन्य शब्द जोड़कर दो दो नवीन शब्द बनाइए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सागर के साथ में शोक, शोक सागर। आज सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मृत्यु से सारा देश शोक सागर में डूब गया है। गंगा सागर, गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। समय अनुसार, समय अनुसार, हमें समय अनुसार काम करना अच्छा लगता है। पूर्व अनुसार, पूर्वानुसार, इस वर्ष परीक्षा का सिलेबस पूर्वानुसार ही रहेगा। तो आपने देखा ये कक्षा सात की हिंदी पार्ट 19 ज्ञानदा की डायरी के प्रश्नोत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।